सब लोग जानते होंगे आशा बाई ट्रस्ट है, वो पूरे महाराष्ट्र में खासकर पुणे और मुंबई में काफ़ी काम कर रहे हैं। फजलानी ग्रुप जो मिस्टर कादर बाई जो है काफ़ी बहुत लो प्रोफाइल से काम कर रहे हैं, और मैंने जो उनके काम देखे हैं वो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है, और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आप प्लीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आप काम कर रहे हैं प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं एक अंजुमन इस्लाम के एक स्कूल का रिटायर्ड हेडमास्टर हूं, और 2 साल से आयशा भाई ट्रस्ट में उनका जो स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है तो उसके HOD के तौर पर काम कर रहा हूं। आयशा भाई हाजी अब्दुल लतीफ़ चैरिटेबल ट्रस्ट एक डॉक्टर अब्दुल कादर फजलानी साहब का एक फैमिली ट्रस्ट है, और बॉम्बे में तकरीबन 20 साल से म्यूनसिपल स्कूलों में, जहां टीचर्स की तादाद बहुत, म्यूनसिपल स्कूलों में अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं और वहां तालीम का मेयार भी गिरा हुआ है, तो इसको रेस करने के लिए आयशा भाई ट्रस्ट ने जो है वो टीचर्स प्रोवाइड किए हैं, और म्यूनसिपल स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने मदद किया है। तो मैडम से मैं एक बात ये कहना चाहता था कि इतना बड़ा आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है और बॉम्बे में BMC के स्कूलों में तकरीबन 1 लाख उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और उसमें 70,000 के करीब लड़कियाँ हैं, क्योंकि आपने जो कहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन पेरेंट्स ही खुद करते हैं, तो मुस्लिम पेरेंट्स आज भी लड़कों को जो है इंग्लिश स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लड़कियां ये BMC के स्कूलों में ही पढ़ती हैं। तो इतने बड़े इसके जो BMC स्टेक होल्डर है, तो आपको उनको भी दावत देना चाहिए था, यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव होते तो बहुत अच्छा होता। और मैं चूँकि इनके स्कूलों को आयशा भाई ट्रस्ट के जो हमने स्कूल BMC के स्कूल अडॉप्ट किए हैं, तो मैं बॉम्बे में जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स हैं, गोहंडी है और मौलोनी वगैरह, वहाँ जो है अक्सर मेरी विज़िट होती है, और वहाँ स्कूलों में 75% तक गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे पास जो है बॉम्बे में जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स की जो ये है वो बहुत यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। हमारे ट्रस्ट का यही ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो सोसाइटी का एकदम जो है पिछड़े हुए लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो उनके लिए काम किया जाए, तो हमने इसीलिए इन स्कूलों को अडॉप्ट किया है। और इसके अलावा ड्रॉप आउट रेट इन स्कूलों में बहुत ज़्यादा होता है। आज भी बॉम्बे में अगर आप म्यूनसिपल स्कूलों का सर्वे करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है तकरीबन 30% से ज़्यादा है। बच्चियां जो है एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद माँ को काम करने के लिए जो है कोई सपोर्ट नहीं है, बच्ची को बैठा लिया गया है, बच्ची को कभी दादा दादी की खिदमत करने के लिए UP भेज दिया गया है, UP बिहार भेज दिया गया है, ये सिनेरियो है। तो हम इस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, जब हमने देखा कि भाई ये ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, तो हमने टीचर्स तो दिया ही उनको, साथ साथ हमने स्कूल काउंसिलर्स भी रखे हैं। हमने तकरीबन 10 स्कूल में परमानेंट तौर से स्कूल काउंसिलर रखे हैं, तो जो बच्चियां 8-10 दिन गैरहाजिर रहती हैं तो उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जाता है कि बच्ची आपकी स्कूल क्यों नहीं आ रही है, और उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स को समझाया जाता है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। तो माशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जो है तो ड्रॉप आउट रेट में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा पेरेंट्स जो है अब बच्चों को जो है वो स्कूल भी बराबर भेजते हैं, और बच्चों की तालीमी हालत भी दुरुस्त हो रही है। बच्चों में तालीम के अलावा जो है हमने जो है इमामवाड़ा स्कूल है और जितने BMC के और स्कूल हैं उसमें हमने जो है बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज रखे हैं। स्कूल आवर्स के बाद जो है उनको सिलाई वगैरह का काम सिखाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया जाता है, ताकि बच्चियाँ जो है घर पर जाके वो अपना खुद पॉकेट मनी जो है खुद जो है कमा सकें।
तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है। इसके अलावा हमने जो है लड़कियों की तालीम के लिए एक स्पेशल एसएनडीटी से एफिलेटेड एक बीएड कॉलेज भी शुरू किया है। तो इस बीएड कॉलेज में माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां जो है एडमिशन लेकर वो बीएड का कोर्स अपना कंप्लीट कर चुकी हैं और एक अच्छी टीचर के तौर पर बॉम्बे के मुख्तलिफ स्कूलों में काम कर रही हैं। हमारे ही इदारे ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि जो लड़कियां जो है ड्रॉप आउट हो गई हैं, तो हमने एक परवाज नाम का एक ऐसे इदारा कायम किया है कि इन लड़कियों को हम फैशन डिज़ाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, एम्बेडेड ज्वेलरी है, इसमें ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग देना तो ये तो आसान काम है, बहुत सारे इदारे कर रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको सेल करने का काम ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मार्केटिंग। तो वो मार्केटिंग का भी हमने इनिशिएटिव लिया है। अभी पिछले महीने में हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो एग्जीबिशन था तो वह हमारा स्टॉल लगा था और माशाल्लाह वहाँ हमारा सेल वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है, अच्छा से हुआ है। तो ये लड़कियों को जो है उसके सेल के प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छी खासी रकम जो है लड़कियाँ कमा रही हैं। इसके बाद जो है एक और जो फील्ड है कि भाई ऐसी लड़कियाँ जो लावारिस है, जिनके जो है प्लेटफॉर्म पे पैदा होती हैं, प्लेटफॉर्म पे ही रहती हैं, सड़क पे पैदा होती हैं, सड़क पे ही रहती हैं, अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं। तो इनके लिए हमारे ट्रस्ट ने लोनावाला में तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन पर एक बहुत ही अच्छा चिल्ड्रंस विलेज कायम किया है, जमीला आरिफ चिल्ड्रंस विलेज। मैडम शायद वहाँ जा चुकी हैं, हाँ आपने भी देखा है, जा चुकी हैं। तो यहाँ ये लावारिस यतीम बच्चियों के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, CBSE पैटर्न का KG से लेके 12 स्टैंडर्ड तक स्कूल है और उनके रहने खाने पीने का सब इंतज़ाम जो है वो वहाँ किया गया है। और बच्चियों को ऐसा फीलिंग ना हो कि भाई वो यतीम है, लावारिस हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि भाई बच्चियों के साथ, 8 बच्चियों के साथ एक लेडी को रखा जाता है एक्सपीरियंस, वो मदर है और वो मदर जो है उसको वैसे ही ट्रीट करती है बच्चियों को, वो घर में उनको खाने पकाने का वो सलीका भी सिखाती है। तो इसमें तकरीबन हमारे पास वहाँ 100 बच्चियाँ हैं जिनका पूरी किफ़ालत जो है, जिनके पूरे जो है लॉजिंग बोर्डिंग वगैरह ये सब हमारा ट्रस्ट करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भाई दूसरे लोगों का ऐसा है कि उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, हमारी पब्लिसिटी नहीं है, हम पब्लिसिटी में यकीन नहीं रखते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो, हाँ अच्छा अच्छा, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लिए हैं, इतना छोटा जो है। माशाल्लाह और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये बहुत जो गरीब लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल में दवाओं का इंतज़ाम किया जाता है, उनकी सर्जरीज वगैरह के लिए जो है वो काफ़ी मदद की जाती है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े बॉम्बे के हॉस्पिटल से टाई अप किया है, सैफी हॉस्पिटल है और धीरू इसके बाद ये साबू सिद्दीक हॉस्पिटल वगैरह है, तो बहुत से पेशेंट्स की वहाँ मदद की जाती है। इसके अलावा हमने जो है और भी बहुत से जो है एजुकेशन के स्कॉलरशिप, जो BMC के स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं और जो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो 11th और 12th की कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकते हैं ख़ासतौर से साइंस सब्जेक्ट्स में, तो उनको जो है कोचिंग क्लासेस की फ़ीस दी जाती है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बहुत सारे बच्चों की हम लोग फ़ीस भी अदा करते हैं। शुक्रिया।